हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी चतुर्वेदी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज का दिन है संडे और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। टाइम हो गया है, मॉर्निंग से मैं बनाई ही नहीं थी। टाइम हो गया, आप लोग देख सकते हैं 1:30 बज चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी मैं उठी, सीधे लग गई ब्रेकफास्ट बनाने में और उसके बाद फिर काम वगैरह की, क्योंकि आज यहाँ पे होने वाला है मंदिर की कलश यात्रा निकलने वाली थी, जहाँ माता रानी की मूर्ति स्थापना होगी, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। तो उसी में थे कि हम लोग छत में चले गए थे देखने के लिए। थोड़ा सा वीडियो मैंने बनाया है तो आप लोगों के साथ, वो मैं जो यात्रा निकली थी कलश यात्रा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उसी में वंशु मेरे से बोला था कि मम्मा मुझे दे दो नमकीन। क्या चाहिए था बेटू आपको? नमकीन। तो कहाँ खाए हो? वो कहाँ है आपकी नमकीन? वो ले। तो इसको खाए क्यों नहीं हो? गिरा गिरा दिए। हाँ। सब गंदी बातें करते हो ना, क्यों करते हो, क्यों करते हो? बस आइए चलिए दिखाते हैं किचन का अपना काम, जो जो मैंने काम किया है आप लोगों के साथ। वो सब चीज़ें तो मैं डेली ही शेयर करती हूँ, तो आज भी शेयर ही करूँगी। तो इधर मेरा गर्म हो चुका है दूध। अब आप लोग बोलेंगे कि 1 बजे दूध गर्म हो रहा है, तो नहीं, दूध वाला ही आज लेट आया था। सुबह मैंने बनाई थी खिचड़ी साबुदाने की ये, और उसके बाद मैंने इसमें दाल रखा हुआ है और दाल को मैं पलट देती हूँ। उसके बाद उसमें मैं रखूँगी चावल, क्योंकि पति देव बोले हैं कि 2 या 2:30 बजे आएंगे, तो हम लोग बोले अब जैसे बना के क्या करेंगे, फिर तो ठंडा ही हो जाना है। तो मैंने सोचा कि कुछ लेट ही बनाऊँगी। तब तक मैं सोची कि वंशु को बढ़िया नहला धुला के फ्रेश कर देती हूँ। वंशु रो रहा था कि नहीं मम्मा, मम्मा से नहीं नहाना है, पापा से, छीर से नहीं मम्मा, गौगौ से। हम बोले ठीक है, कहाँ से नहाना है वंशु? वंशु को शर्म आ गई, भाग गया, वहाँ चला गया। तो गाइस, अब मैं दाल को खाली कर लेती हूँ, उसके बाद उसमें चावल रख देती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। कर रहे थे वंशु? सर से बात कर रहे थे। कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? दिखाओ तो कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? कहाँ? ये मोबाइल है। अभी क्या कर रहे थे मोबाइल में? पापा से बात करोगे? तो मोबाइल को क्या कर रहे हो? यूट्यूब देखोगे? ये क्या कर रहे हो? ये चार्ज में बैटरी नहीं है तुम्हारे मोबाइल में? तो ये क्या किए हो, ये चार्ज में लगाए हो? बंद हो गया था मोबाइल। हाँ। तब चार्ज कर रहे हो? हाँ। फिर किससे बात करोगे मोबाइल चार्ज करके? मम्मा, हाँ नहीं। क्या बंद हो गया? हो गया, कोई बात नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कलश यात्रा की रैली थी वो आज ही निकल चुकी थी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है, तो आप लोग देखिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, काफ़ी भीड़ थी। वंशु तो बार बार छत में लेके जा रहा था, जब गए थे तब भी, जब रिटर्न हो गए हैं तब भी। तो देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। तो गाइस, यहाँ पे मैं और हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, उसका आज प्रवचन वगैरह जो भी फंक्शन है स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग आज जाके देखते हैं कि वहाँ क्या कैसा है। तो आप लोगों को भी उसके बारे में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अब वंशु को भी देखिए, वंशु हाय कर दो। हाय। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं, और ये है देवी धाम जहां पे मूर्ति स्थापित होने वाली है, और ये है शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर। पंडित जी ने बताया था कि ये शंकर जी का सबसे पुराना मंदिर है, जब यहां पर कोई भी मंदिर नहीं था तब से ये मंदिर है, बस इसको अच्छे से बनाया गया है। और ये यज्ञशाला तैयार हुई है,
ये परिक्रमा लगाने के लिए, तो इसे भी बहुत अच्छे से सजाया गया है। और यहाँ पे जितने भी कलश यात्रा में कलश गए थे सभी को यहाँ पे रखा गया है, और इसका व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया इसको तैयार किया गया है। उसके बाद ये वो रथ है जिसमें माता जी की मिट्टी लेकर आए थे, पंडित जी ने बताया है। तो आप लोग देखिए रथ कितना प्यारा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी देखिए, दर्शन कर सकते हैं मेरे ब्लॉग में अगर आप लोग यहाँ के नहीं हैं तो। और ये सारे पंडाल लगी हुई हैं, और यहाँ पे हो रहा था पंडित जी का, मतलब महाराज जी जो आए हैं उनका प्रवचन चल रहा था। तो हम लोगों ने कुछ देर बैठकर वहाँ का प्रवचन भी सुना है। संस्कृति एंड वेस्टर्न कल्चर, व्हाट मीटमेंट डिफरेंस इन सनातन संस्कृति एंड वेस्टर्न कल्चर, यही अंतर है मेरे प्यारे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। है ये किस्सा कहानी ना है भैया, गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड में संकेत किया। विशिष्टा द्वैतवाद का विश्व का महानतम महा काव्य दर्शन है, फिलॉसफी है, इसलिए सावधानी से सुनिएगा। बहुत कथवा में बाबा मन नहीं लग रहा है, ये कथा मनोरंजन का विषय थोड़े है कि मन लगेगा। ये मनोरंजन का विषय नहीं है भैया, ये भावभाव भंजन का विषय है। दुनिया में जिस रोग की दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं होती, उस मनोरोग की दवाई इस विद्यालय में, इस हॉस्पिटल में मिलती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसलिए हम लोग आज जल्दी आ गए हैं, कल बढ़िया अच्छे से जाएंगे और काफी टाइम तक वहाँ बैठ के प्रवचन सुनेंगे। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को भी इस प्रवचन में अपना योगदान देना है या कि फिर श्रवण करना है तो आप लोग भी यहाँ पधार सकती हैं। ये मझियाओं में, हमारे यहाँ गढ़वा मझियाओं में हो रहा है। तो गाइस आपका मेरा ये ब्लॉग यहीं तक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर।